ग्रुप अलग करते हैं, ठीक है ग्रुप अलग करते हैं। तो माँ इधर, श्रद्धा माँ इधर, क्या अंदर विपिन यहाँ, जो विपिन के पीछे आप रहो, आप श्रद्धा माँ के पीछे। हाँ मैग्नेटिज्म है, लेकिन गेंदम देखो, मैग्नेटिज्म तो गेंदम का बच्चा है, ओरिजिनल गेंदम है, मैग्नेटिज्म बाद में क्रिएट किया गया, और हिप्नोसिस तो उसके बाद और छोटा है। तो एनर्जी को फील कर, गेंदम एनर्जी से कनेक्टेड। आज दिन भर आप दोनों ने जो भी सीखा वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंट। थ्री टू वन ओपन योर आइज। नहीं, उनके ऊपर एनर्जी काम किया है। क्या हुआ मां? रेड एनर्जी वाज फ्लोइंग। रूप चक्र से गए। मुझे भी वही दिख रहा था ना ऊपर की तरफ। टोटली ऐसा रेड कलर। कॉन्फिडेंट आ रहा है, अच्छा लग रहा है। जब जितना सरेंडर करोगे, आप जब सरेंडर होगे, मैं आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग करूंगा, और आपके लिए अच्छा करो, लाइफ टाइम के लिए हो रहा है। किसी से माइंड प्रोग्रामिंग करने जाओ तो कई सारे पैसे जाएंगे आपके। मैं तो फ्री में कर रहा हूँ, कोर्स की पार्ट है, आप लोग भी सीख भी रहे हो और आपकी माइंड की भी प्रोग्रामिंग होगी। तभी कर पाऊंगा जब आप सरेंडर करोगे। चलो उठ जाओ, पीछे जाओ, आ जाओ आप भी। तो ये ग्रुप मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये सब दिखाने के लिए है। कर सकते हो आप भी, अपने क्लाइंट्स को जो हीलिंग करके बात जा रहे, उनको दो चार लोगों को खड़ा करके करो, इंटेंशन आई एम कनेक्टेड टू गेंदम एंड यूज मैग्नेटिज्म, गेंदम एनर्जी से मैग्नेटिज्म करूंगा। ओके मेरे बातें आपके दिमाग में घूमते रहेगी, आप भूल भी जाओगे 10 साल बाद में भी घूमते रहे। सर ने बोला था, मतलब सबकॉन्शियस में पैटर्न बन रहा है। जब हम लोग ट्रांस में जाके किसी को कमेंट देते हैं तो माइंड की प्रोग्रामिंग इसलिए होता है, कॉन्शियस माइंड उसको रिजेक्ट नहीं कर पाता। इसलिए जब भी आप अपने क्लाइंट्स को ट्रांस में लोगे, वहां पे कोई गलत वर्ड्स नहीं होना चाहिए। अभी इनको माइंड प्रोग्राम करो, उनसे आप बात कर लो, नहीं करना। समझे ना? ठीक है, कोई उतनी जोर से भी नहीं। सर कैसा लग रहा है? लाइट लग रहा है। मैंने कुछ बोला है आपको, वो सारी चीजें देखो, याद करो, सब चीज आपके दिमाग में है। सर एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग में आपने जो स्टार्ट किया उतना ही पता था, बाकी इन लोगों को इतना ज्यादा बोला है ना। नहीं, इतना ज्यादा आप लोगों को नहीं बोला था, जब जिसको जो बोलना मैं बोलता। हाँ, तो इसीलिए मैं उनको पूछ रही थी, सर ने इतना बोला था क्या? मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला। आपको तो आप लोगों को थोड़ा ही बोला। अच्छा, आपको मुझे सब सुनाओ।
सुना हल्का लग रहा है, कॉन्फिडेंट भी लग रहा है कि हाँ अभी देखो अच्छे से सुबह से लेके इसको हम फीलिंग नहीं कर सकते, ये जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तब आपको सब चीज पता चलेगा। ठीक है, तो कंप्लीट है, और कुछ बचा है लेवल वन लेवल टू में? डिस्टेंस हीलिंग तो आप लोगों ने वीडियो में देखा ना, डिस्टेंस में किसी का हीलिंग करोगे, वीडियो कॉल में करोगे या किसी को बोलोगे लेट जाओ, सेम तरीका है, आप बैठ के प्रे करो एनर्जी से, क्योंकि आप नहीं कर रहे, दिव्य शक्तियां कर रहे हैं। वीडियो कॉल इट्स बेटर, ठीक है। और अगर कोई वीडियो कॉल भी नहीं है तो उसको सोच लो कब सोता है, इसलिए ना हीलिंग का टाइमिंग हमेशा मिडनाइट इज बेटर, मेडिटेशन हीलिंग मिडनाइट इज बेटर। तो हम लोग क्या है वो थोड़ा सा अपना टाइम टेबल चेंज हो जाता है, लेकिन सही में बहुत बेटर है। आगे अभी मैं आप लोगों को थर्ड लेवल पे लव एनर्जी के बारे में बताऊंगा, मनी एनर्जी के बारे में बताऊंगा, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए बताऊंगा।